एक मिनट, ये कहती थी मेरा प्यार सीमा सीमा और सचिन का सच्चा प्यार है, लेकिन वो वीडियो वायरल होने के बाद वो लड़ाई जो है वो एक महिला से नहीं है, वो लड़ाई जो है एक गैर कानूनी तरीके से लड़ाई है, वो महिला से लड़ाई नहीं है। ये गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल इसने किया है भारत में आने के लिए इलीगल रूप से, और भारत में रहने के बाद भी कानून की वायलेशन कर रही है। तो लड़ाई सीमा से नहीं, सीमा के द्वारा जो क्राइम किया जा रहा है लड़ाई उस क्राइम से है, सीमा के द्वारा जो कानून का वायलेशन किया जा रहा है उस वायलेशन से लड़ाई है, सीमा से लड़ाई नहीं है। जब कानून का वायलेशन छोड़ देगी वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, और जो कानून का वायलेशन किया है उसकी सजा इसको मिलेगी, इसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। लड़ाई का मतलब कोई जाके इसके सिर में डंडा कोई मार रहा है या कोई इसके ऊपर हाँ हमला कोई कर रहा है। जैसे जैसे ये इसकी जुबान चलती जा रही है, जिस प्रकार ये कानून की वायलेशन कर रही है, वैसे वैसे लोग इसको जवाब दे रहे हैं। इसमें गलत क्या है? अगर ये बुराई को सरेआम इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दुनिया के बीच में फैला रही है, तो इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से ही दुनिया के लोग उसको इसका आईना दिखा रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं, तो महिला से लड़ाई कहां होगी? ये तो एक बुराई से लड़ाई है ना। और उस बुराई जितनी तेजी से फैलती है, जिस माध्यम से फैलती है, जिस तेजी से फैलती है, उसी माध्यम से, उसी तेजी से उस बुराई का विरोध होना चाहिए, उस बुराई को आईना दिखाया जाना चाहिए कि ये आप क्या कह रहे हो और इसका समाज में क्या इफेक्ट है, ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है, और दुनिया के लोग उसको आईना दिखा रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल पैदा ये होता है कि देखिए जी, जो कुछ उसने पाकिस्तान में रहते हुए किया वो किया, उसमें बार बार उसको दिखाएं, बार बार उसको बताएं, पपिया जपिया, उसकी वॉइस नोट, ये वो। दूसरी बात ये है कि वहां पर बैठ के जो कुछ पब्लिकली कर रही है, एक ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम हो रहा है, एक पास्ट था। पास्ट से इस केस में क्या फर्क पड़ेगा? लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, यार ये सारी डिबेट हो रही है, आज ये ऑडियो इसकी वायरल हो गई, ये तस्वीर वायरल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यानी कि उसको माजी उसका सामने लाके लोग दिखा रहे हैं। दूसरा, हम समझते हैं कि नहीं, वो क्राइम तो था, लेकिन असल मसला तो ये है कि जो आज कर रही है, आज वाले को पकड़ो, देखिए पिछला जो है वो पकड़ी जाएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये भारत में आई थी और गुलाम हैदर जो है वो सऊदी अरब में था, तो इसने बचने के लिए मीडिया में बड़ा रोना धोना शुरू कर दिया और अपने आप को बहुत बड़ा विक्टिम इसने अपने आप को बताया, और मजलूम अपने आप को मजलूम इसने बताया, और मेरे पे जुल्म होता है, मुझे मारता था, मुझे पीटता था, मुझे खाने के लिए नहीं देता था, मैं भूखी मरती थी, मैं ये होता था, मैं वो होता था, और वहां औरतों की कोई जिंदगी नहीं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं थे, स्कूल नहीं जाते थे, ये बच्चों को नहीं पढ़ाता था। तो जैसे जैसे ये मीडिया में कहती गई, मीडिया को मसाला चाहिए था, टीआरपी चाहिए था, और वो भी पाकिस्तान की महिला से कोई मसाला मिल जाए तो इंडियन मीडिया की तो वाह वाह हो जाती है। तो वो सारा मीडिया में छपा, लोगों के जो माइंड थे, जो कंसेप्ट थे, वो चेंज हुए कि हाँ ये ठीक कह रही है, ऐसा ही है, क्योंकि गुलाम हैदर के पक्ष को तो किसी ने सुना नहीं, उसकी बात को तो वो सामने आई नहीं। अब बिल्कुल जब गुलाम हैदर जब ये काफी टाइम बोलते 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 तो लोगों के दिमाग में, दिलों में ये बात घर कर चुकी थी, और इसकी एक ऐसी छवि बन गई थी कि इससे बढ़िया महिला पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जी, लोगों की आइकॉन बनने की कोशिश कर रही थी, और ये बन भी गई थी किसी हद तक। गुलाम हैदर जब मीडिया में आया तो गुलाम हैदर की बात, वो अपनी बात को सच कहना चाह रहा था, लेकिन मीडिया ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी, वो सच भी कह रहा था, तो उसको उसी हिसाब से मैनिपुलेट करके, उसी हिसाब से बदल के दिखाया जा रहा था जो सीमा उसके खिलाफ बोल रही थी। तो एक माहौल क्रिएट हो गया था गुलाम हैदर के खिलाफ भी, क्योंकि इसने बहुत टाइम एपी सिंह को, और इसको बहुत टाइम हो गया था। अब ये कह रहा जी, रोज रोज एपी सिंह ना की सुनी होगी, वो कह रहा भी घंटों घंटों लाइव बैठ के ये करते हैं वो करते हैं। अरे एक साल से तू रोज नेशनल चैनल पर दो दो घंटे बैठा रहता है, अब 4 दिन से अगर हम आ गए तो तुझे प्रॉब्लम है क्या है? अच्छा दूसरी बात, जब ये कंसेप्ट यहां तैयार हो गया था मेरे आने के बाद, मैंने एक एक चीज को गहराई से इसको निकाला, फाउंडेशन से एक एक चीज निकाला, एक एक हकीकत को दुनिया के सामने लेके आया, कोर्ट के केस भी फाइल किए, और जो सच्चाई थी, जो कानून की नजरों में सच्चाई थी, जो डॉक्यूमेंट्री सच्चाई थी, जो लीगल सच्चाई थी, वो डॉक्यूमेंट दिखा दिखा करके विद प्रूफ दुनिया के सामने इसकी सच्चाई को लेके आया।
एक वो माहौल था, मेरे पास आज 2-3 महीने 3 महीने हो गए होंगे केस को, एक वो माहौल था जब सारा देश इसकी तरफ था, एक सच्चाई जानकर। आज वो माहौल है जो आज पूरा देश जो है वो गुलाम हैदर की तरफ है। ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो जो वायरल हुई है, इनका इफेक्ट इस केस पे तो पड़ेगा पड़ेगा, बल्कि भारत के लोगों के दिलों और दिमागों पर पे जो इसने अपनी फेवरेबल छाप छोड़ दी थी, वो छाप को साफ कर दिया इन वायरल वायरल फोटो ने। आप कह रहे हैं ये कि कहती थी इसका इसका मेरा इसका जो शब्द था वो खुल के सामने आ ये गया। क्या, एक मिनट, ये कहती थी मेरा प्यार सीमा सीमा और सचिन का सच्चा प्यार है। लेकिन वो वीडियो वायरल होने के बाद जो इसका लोगों की समझ आई कि ये सच्चा प्यार नहीं है, ये यूज एंड थ्रो का प्यार है। अगर सचिन के साथ सच्चा प्यार था तो गुलाम हैदर जब वहां सऊदी अरब था तो इस व्यक्ति के साथ क्यों ये मुलविस थी, क्यों इसके साथ इन्वॉल्व थी? तो वो सारी चीज सामने आ गई है। तो लोगों के दिल दिमागों पे जो इसने झूठ बोल के छाप लगा दी थी, वो छाप खत्म हो चुकी है। आज एक एक बच्चा भारत का, सारे भारत के लोग गुलाम हैदर को समझने लगे हैं कि इसके साथ वाकई में ये जुल्म कर रही थी। जब ये भारत में आई, जब तो जुल्म किया गया, ये पाकिस्तान में रहते हुए गुलाम हैदर की पीठ में छुरा घोंप रही थी, वहां भी उसके साथ बेवफाई कर रही थी, ये पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा तो सर ये जी, सर लोग सवाल करते हैं कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्यों एक्शन नहीं लिया, बच्चों की मांग क्यों नहीं कर रही, सीमा की वापसी की डिमांड क्यों नहीं की जा रही। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, हालांकि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस केस में पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक्शन जरूरी है, तभी बच्चे आ सकेंगे, या वहां पर जो आप कानूनी तौर पर फाइट कर रहे हैं गुलाम हैदर की तरफ से, उस वजह से बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो लीगल, जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो सबसे पहले तो कोर्ट के ऑर्डर ही होते हैं, उसको भारत की सरकार भी मानती है और उसको जो है वो उसको भारत की सरकार भी मानती है। और भारत की सरकार से जब कोई किसी भी देश की सरकार बात करती है डिप्लोमेट चैनल से, तो ऐसे मामला डिप्लोमेट चैनल से भी एक दूसरे के वो माने जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि भारत के लोग भी गलती से पाकिस्तान में चले गए हैं और वहां के लोग भी यहाँ पर आए हैं जिनका जासूसी से कोई संबंध नहीं है, जो गलत तरीके से या इलीगल तरीके से चले गए हैं। तो ये फॉरेन एक्ट में भी प्रोविजन है और भारत की पॉलिसीज में भी, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में भी और भारत की पॉलिसीज में भी ये प्रोविजन है कि अगर दोनों देश चाहें तो डिप्लोमेट तरीके से बातचीत करके इस प्रकार के मसलों को और इस प्रकार के मामलों को हल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रोल दोनों सरकारों के बीच में होता है। और वो कब होगा? जब अगर कोई केस भारत में नहीं चल रहा है, पहले अदालत से उस केस की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो मैटर जो है वो मैटर करता है, उसके बाद वो डिप्लोमेट चैनल से उस मामले को हल किया जा सकता है। जैसे कि गीता मामले में हुआ, गीता मामले में मैंने केस फाइल किया कराची के अंदर ह्यूमन राइट्स कोर्ट में, और ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने ये फैसला किया कि भाई इस लड़की को, मेरे से पूछा गया कि आप इस लड़की को कैसे ले जाना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि इस लड़की को मैं डिप्लोमेट चैनल से भारत भेजना चाहता हूँ, दोनों देशों की बातचीत के डिप्लोमेट चैनल के जरिए से। तो उसमें ऑर्डर, उसमें बाकायदा जो है वो रखा गया, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर किया गया। और वो ऑर्डर होना हो जाने के बाद फिर मैंने वो ऑर्डर भारत की सरकार को दिया और मैंने वो ऑर्डर जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया को दिया, और उसके बाद वो दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट चैनल से एग्जीक्यूट हुआ और गीता गुंगी बैरी जो गीता थी वो भारत में आई। वो ह्यूमन राइट कोर्ट कराची के ऑर्डर थे, वो ऑर्डर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं वो तो मुझे मालूम है सर, यहाँ कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे आपके बारे में, हमारे वकील जो दोस्त हैं वो बड़े किस्से कहानियां सुनाते हैं, अब दिन रात एक किए हुए थे जैसे इस केस में किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अभी जरूरी है, जो लोग सवाल करते हैं सर हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि केस आपने किए हुए हैं तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इस वक्त इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, या इंडियन कोर्ट से ही बच्चे गुलाम हैदर को मिल सकते हैं कानून के मुताबिक? हाँ, वो तो मिलेंगे, बच्चे तो उनको मिलने ही है, बच्चे तो उनको मिलेंगे, बच्चे तो उनको मिलेंगे मिलेंगे, ये तो डेफिनेट है, बच्चे तो उनको मिलेंगे।